तो गाइस यार बेसिकली देखो यार, अब आप में जो है काफ़ी सारे लोग अभी लैपटॉप्स के लिए सर्च कर रहे हैं, और हम सबको पता है कि यार अभी पीसी मार्केट में पीसी पार्ट्स की प्राइस बहुत गंदी चल रही है, मतलब काफ़ी टाइम से गंदी चलती हुई आ रही है। तो यार इसके नज़र रखते हुए काफ़ी लोग जो है लैपटॉप्स बाय कर रहे हैं। तो बेसिकली भी प्राइम डे सेल में भी यार काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे लैपटॉप्स बाई किए है, बिग सेविंग डेज में भी अच्छे अच्छे लैपटॉप्स बाई किए है। बट अभी जो है मार्केट में अभी जस्ट ही इस हफ्ते ही एक एचपी की तरफ से एक नई विक्टस सीरीज लॉन्च हुई है, जो कि यार एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी स्पेसिफिकेशंस आपको बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज में और बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी वो लैपटॉप जो है वो आपको मिल रहा है काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ, राइजन 5000 सीरीज़ के साथ। तो बेसिकली यार आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार जो HP विक्टस 5000 सीरीज़ का जो लैपटॉप है वो लैपटॉप कितना कैपेबल है, क्या आपको वो लैपटॉप्स बाय करने चाहिए, और कौन कौन से विक्टस सीरीज़ के लैपटॉप्स अभी आ रहे हैं। तो यार बेसिकली मैं डिजिटल रिव्यू करने वाला हूँ उन लैपटॉप्स के बारे में। देखो अभी मतलब इतना बड़ा चैनल तो है नहीं यार आपको बताइए कि यार मैं लैपटॉप्स लेके खरीद के रिव्यू कर सकूँ। तो यार मैं आपको एक ओवरव्यू डिजिटली रिव्यू बता रहा हूँ अमेजन पे कि यार क्या आपको लैपटॉप्स ये वाले बाय करने चाहिए, कैसे क्या इनकी परफॉर्मेंस रहने वाली है, और उसके बारे में हम बात करेंगे। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि यार मेरा नाम है चेतन नायमा और आप सब देख रहे हैं टेक नाइट इंडिया यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कंटेंट्स इन गेमिंग की। अगर आपका मन इंटरेस्ट हो पीसी रिलेटेड कंटेंट्स इन गेमिंग में तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस आफ्टर शॉर्ट इंट्रो वी विल बी राइट बैक। तो गाइस देखो सबसे पहले HP विक्टस, ठीक है। अभी यार देखो विक्टस जो है वो HP का ही काइंड ऑफ एक सब ब्रांड है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि यार Xiaomi का सब ब्रांड जैसे पोको है, तो यार वैसे ही विक्टस पावर्ड बाय HP, ठीक है। HP इनकी जो आपका हेलमेट पैकर्ड है उसी ने यार एक विक्टस सीरीज निकाली है लैपटॉप्स की विक्टस नाम से। अब इस लैपटॉप पे जो है HP का लोगो देखने को मिलेगा, आपको वी बना हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि विक्टस का वी देखने को मिलेगा। अब बेसिकली विक्टस सीरीज जैसे कि आपको अगर Asus की टफ सीरीज पता हो, ठीक है, तो देखो उसी को नज़र रखते हुए बनाई गई है। देखो विक्टर सीरीज में आपको बजट रेंज में काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेगी, राइजन 5000 सीरीज के चिप्स देखने को मिलेंगे, एस सीरीज के प्रोसेसर्स, और एनवीडिया का जो 3000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड है, रे ट्रेसिंग RTX 3050 3050 Ti 3060 1660 Ti 1650, ऐसे ग्राफिक्स कार्ड जो है आपको विक्टर सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जो विक्टर सीरीज के जितने भी सारे लैपटॉप्स मैं आपको बताऊंगा उन सबका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग बाय करने में इंटरेस्टेड हैं HP विक्टर सीरीज के लैपटॉप्स, तो यार आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके वो लिंक्स चेक कीजिए, और अगर आपको पसंद आता है तो यार आप वहाँ से जो है वो लैपटॉप खरीद सकते हैं। तो यार गाइस अब ज़्यादा मैं आपको टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, आप चलिए हम डिस्प्ले पे चलते हैं जहाँ पे मैं आपको विक्टर सीरीज के लैपटॉप्स बता देता हूँ। तो गाइस बेसिकली यार देखो सबसे पहले आपको जो है लैपटॉप भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यार मैंने चार जो विक्टर सीरीज के आपके लैपटॉप्स हैं वो मैंने निकाले हैं। तो यार देखो मेरे को ये चार लैपटॉप्स अभी स्टॉक में दिखे थे, तो मैंने चारों लैपटॉप्स निकाले हैं। देखो चारों लैपटॉप्स काफ़ी अच्छे आपको परफॉर्मेंस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, और मतलब काफ़ी प्यारे लैपटॉप्स है काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये लैपटॉप को फजोस का सेगमेंट का फर्स्ट लैपटॉप है, जो कि हमारे HP की तरफ से आने वाला राइजन 5 5600H वाला लैपटॉप। अब देखो यार एच वाला लैपटॉप है तो यार ओब्वियसली देखो एच वाला लैपटॉप मैंने कि हाई परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है, ठीक है। अब इसमें आपको FHD फुल मतलब ओब्वियसली आपको FHD डिस्प्ले आपको देखने को तो मिलेगी इसमें। देन उसके बाद आपको इसमें 8GB रैम, 512GB की SSD, और उसके बाद आपको इसमें एक GTX 1650 जैसा ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिल जाता है, MS Office वगैरह सब आपको साथ में देखने को मिलेगा, एंटी फ्लिकर डिस्प्ले है, ठीक है। और आप जो है उसके बाद इसमें पढ़ सकते हो कि 3200 MHz की मेमोरी वगैरह आपको इसमें देखने को मिल रही है। उसके बाद मैं बात करूँ तो देखो ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है। देखो लेटेस्ट चीज़ लेटेस्ट लैपटॉप्स में देखो आपको सारी देखने को मिलेगी। लुक्स के बारे में बात करूँ तो देखो आप फ्रंट से कुछ ऐसा है, बैक से कुछ ऐसा है, ठीक है। वी लोगो बेस्ट रूम ये जो भी इनका मार्केटिंग का तरीका है, ठीक है, वी वगैरह। अब मैं बात करूँ उसके थर्मल सॉल्यूशन की तो देखो दो फैंस दिए हुए हैं बड़े बड़े साइज़ के। अब काइंड ऑफ मुझे इसका थोड़ा डिज़ाइन से मुझे लग रहा है इसके कि यार ये लैपटॉप हीटिंग इशू हो सकता है मे बी काइंड ऑफ इसमें, क्योंकि टफ गेमिंग में भी इतना अच्छा मतलब एयर फ्लो था, बट फिर भी हीट तो होते हैं लैपटॉप, बट ठीक है लैपटॉप्स तो वैसे भी हीट करती हैं। तो देखो हमारे पास हाथ में भी दिखाया नहीं तो मैं कुछ अभी बोलना नहीं चाहूँगा, बट हाँ काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। 1650 की परफॉर्मेंस मैंने आपको Asus टफ वाले लैपटॉप में बताई थी, ठीक है। उसमें 3500H लग रहा था, इसमें 5600H है, जो कि बहुत ही पावरफुल CPU इन कंपेरेबल टू आपका 3500H, ठीक है। तो अगर आपका बजट कुछ 60,000 है, 55 to 60,000, तो आप ये वाला लैपटॉप कंसिडर कर सकते हो। अभी जो है बेसिकली प्राइम डे सेल में ये वाला लैपटॉप गया था 54,000 रुपीज़ पे। तो यार देखो सेल का वेट करो, सेल के वेट में ये लैपटॉप काफ़ी सस्ता होगा।
67,000 में काइंड ऑफ थोड़ा सा ओवर प्राइस मुझे ये वाला वेरिएंट लग रहा है, क्योंकि आप इस प्राइस रेंज में आप एक 1650 Ti ले सकते हो या फिर आपको 1660 मिल सकता है MSI या ASUS की तरफ से, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट लैपटॉप बताऊंगा जो कि आपको विक्टस सीरीज का ही आता है, ठीक है। अब गाइस ये वाला जो लैपटॉप है ना, राइजन 5 5600 वाला, 5600H वाला, ये वाला मुझे मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप लग रहा है, क्योंकि आपको इसमें देखने को मिल रहा है RTX 3050। अब RTX 3050 आप सबको बताइए कि यार RTX 3050 की परफॉर्मेंस क्या है, कैसी नहीं है, मतलब कैसी क्या परफॉर्मेंस है 3050 की। इसमें आपको भी 5600H देखने को मिल रहा है, RTX 3050 देखने को मिल रहा है, 8GB ऑफ रैम देखने को मिल रहा है। मैं आपको ये कंसीडर करूँगा कि आप ये वाले लैपटॉप में एक रैम की स्टिक और लगाओ, 16GB रैम करो, राइजन 5 5600H RTX 3050, एंड लाइक दिस इज लैपटॉप इज गोना बी बीस्ट, ठीक है। बहुत पावरफुल लैपटॉप होने वाला है। बस कौन ये लैपटॉप में है कि यार मास स्टोरेज के लिए इन्होंने DD नहीं दी हुई है, तो यार मैं आपको यही कंसीडर करूँगा कि आप एक हार्ड ड्राइव जरूर ले लो, 2TB या 1TB की, जैसा आपको सूटेबल लगे, ठीक है। ये लैपटॉप 73,000 में आपको RTX 3050 दे रहा है, तो यार वही ये लैपटॉप सेल पे कुछ 67,000 68,000 में बिक रहा था, तो यार देखो 3-4 हज़ार का डिस्काउंट आपको ऑन सेल लैपटॉप पे मिल जाता है बेसिकली। और यार बेसिकली गाइस बहुत ही प्यारा लैपटॉप है, अगर आप इसको 73,000 में भी बाय करते हो तो यार बहुत ही अच्छी डील है। RTX 3050 70-72,000 का लैपटॉप है, बहुत सही है, ठीक है। मैं आपको ये कंसीडर करूँगा कि आप 2060 1660 Ti को छोड़ के आप ये 3050 वाला वेरिएंट जो है आप ये ले, जो कि एक बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ज़्यादा प्राइस इसका डाउन नहीं होता, कुछ 2 से 3 हज़ार रुपये प्राइम डे सेल में डाउन हुआ था, ठीक है। और अभी लेटेस्ट लॉन्च है तो बिग बिलियन या फिर जो आपका बिग अमेजोन की जो बड़ी सेल आती है उस पर पता नहीं कितना डाउन जाएगा, बट हाँ अभी भी ये लैपटॉप जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं इसके अगले ही बड़े वेरिएंट की तरफ चलूँगा जो कि आता है राइजन 7 5800H। अब देखो 5800H मुझे तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ऑक्टा कोर CPU, ठीक है। AMD पता नहीं मतलब क्या कर रहा है, ठीक है, लैपटॉप में भी ऑक्टा कोर CPU दे रहा है, जो कि बहुत इंसेन चीज़ है। ये वाला जो लैपटॉप है, ये वाला लैपटॉप भी आपका एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। सेल में, प्राइम डे सेल में इसकी भी 2-3 हज़ार रुपये रेट कम हुई थी, कुछ आपका 86,000 में कुछ मिल रहा था 5800H। कुछ अपग्रेड करने की जरूरत नहीं आपको, इसमें खाली HDD लगानी है। ये लोग हमेशा HDD यहाँ पे पता नहीं मेंशन नहीं करते, शायद इसमें है ही नहीं इसलिए मेंशन नहीं की हुई है इन्होंने। प्रोडक्ट डिटेल अगर आप और देखोगे इसमें तो देखो इसमें क्या क्या है, प्रोसेसर काउंट वगैरह, HDMI पोर्ट्स वगैरह सब लिखा हुआ है, लिथियम आयन बैटरी एंड SSD इसमें लगी हुई है। आपको 1TB की HDD तो इसमें भी लगानी ही है, ठीक है। H2S डायमेंशंस डिस्प्ले आप सब देख सकते हो, IPS पैनल है इसमें आपको देखने को मिल जाता है, RTX 3050 Ti, जो कि यार एक बहुत ही प्यारा ग्राफिक्स कार्ड है। अगेन 1080p RTX ऑन मैक्स आउट सेटिंग, 60 फ्रेम्स आपके स्क्रीन के सामने होंगे, ठीक है, विदाउट एनी इश्यूज। 5800H है तो देखो ऑक्टा कोर CPU में अगर आपको थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग करनी है तो यार देखो वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 86,000 to 87,000 बेस्ट लैपटॉप है। रैम भी आपको 3200 MHz 16GB रैम मिल रही है, 144Hz का डिस्प्ले मिल रहा है, तो यार देखो ये लैपटॉप भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। देन उसके बाद मैं इसका लास्ट वेरियंट की तरफ जुड़ूंगा जो कि इसका सबसे काइंड ऑफ बड़ा वेरियंट आ रहा है, जो कि देखो है आपका आता है HP Victus 1,00,000 रुपये 1,05,000 रुपये इस लैपटॉप का कुछ प्राइस है, और आपको इसमें देखने को मिल जाता है RTX 3060। अब पूरा जो मैंने पिछला Ryzen 7 बताया था वैसा का वैसा सेम लैपटॉप ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इसमें फ़र्क है ग्राफिक्स कार्ड का, क्योंकि इसमें आपको RTX 3060 देखने को मिल रहा है। सेल में ये लैपटॉप 98,000 या 99,000 का कुछ देखने को मिलता है, जो कि यार देखो बहुत ही अच्छी चीज़ है। 98,000 to 99,000 में जो है एक RTX 3060 काफ़ी अच्छी डील बन जाती है। आपको ASUS की टफ A15 या फिर A17 लैपटॉप्स भी कुछ 1,05,000 1,06,000 में देखने को मिलते हैं, तो यार ये उन लैपटॉप से 5,000 सस्ता है। इन लैपटॉप्स में जो है मुझे कौन यूँ लगा है कि आपको थोड़ा लुक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यार मुझे बेसिकली मुझे लुक्स कुछ पसंद नहीं आया, ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है, ठीक है। और प्लस रही बात RGB की भी, तो यार इन्होंने RGB नहीं दी है, ठीक है, RGB कीबोर्ड में, RGB में कॉस्ट कटिंग की है। तो यार देखो परफॉर्मेंस चाहिए आपको, वैल्यू फॉर मनी चीज़ चाहिए, तो आप ये वाले लैपटॉप कंसिडर कर सकते हो इन द सेल। बाकी तो देखो ASUS स्टफ है, MSI लैपटॉप GL165 लैपटॉप है, आप ऐसे लैपटॉप भी कंसिडर कर सकते हैं। गाइस देखो यार सारे लैपटॉप्स देखने के बाद आपको एक अच्छा खासा अनुमान लग गया होगा कि अरे लैपटॉप्स कितने केपेबल हैं, क्या इनका गेमिंग परफॉर्मेंस रह सकता है, ठीक है, और ये ग्राफिक्स कार्ड जो इनमें आपको मिल रहे हैं वो कितने केपेबल है, ठीक है। ओवरऑल गाइस मैंने अभी ये सारे लैपटॉप्स देखे और यार मुझे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ये लैपटॉप्स लगे। अगर आप लोग अगर बिग बिलियन डेज का वेट कर रहे हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन की जो बड़ी सेल आती है दिवाली से पहले पहले की, या फिर जब भी जैसे इनका रक्षाबंधन फेस्टिवल का भी सेल आता है, तो उनमें
उन सेल में ये लैपटॉप का प्राइस काफ़ी 5 से 10 हज़ार रुपये या फिर 5 से 7 हज़ार रुपये बहुत कम होता है, तो आप उस टाइम भी बाय कर सकते हैं। बाकी अभी भी जिस प्राइस पे लैपटॉप्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा प्राइस है, आप लोग जरूर जाके बाय कर सकते हैं। वेल जो गाइस आपकी क्या व्यूज है एचपी विक्टर्स के बारे में मुझे नीचे कॉमेंट करके बताओ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगले ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।